देखो फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट का फर्स्ट पॉइंट इन राइटिंग, अगर राइटिंग में नहीं होगा तो उसकी कोई वैलिडिटी होगी क्या? नहीं होगी, तो इसलिए जो पहला उसका फीचर होगा वो क्या हो जाएगा, इन राइटिंग। ओरल प्रॉमिस है, तुम फोन से बोल रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अगर आप प्रॉमिसरी नोट, पहले क्या होता था, बैंक्स नोट देती थी तो उसको पास आउट करना पड़ता था, तो वो क्या हो जाएगा, इन राइटिंग होता था। ठीक है, उसमें एक पर्टिकुलर, मैं आपको स्पेसिमेन बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि यही वर्ड्स उसमें होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। आपने कल एक बैंक नोट देखा था, उसका एक वर्ड्स लिखा था, आई प्रॉमिस टू पे, तो कुछ कुछ उसके वर्ड्स है, जैसे प्रॉमिस है, पे, बियरर है, तो ये सारे वर्ड्स मस्ट होने चाहिए किसी भी प्रॉमिसरी नोट को बनाने के लिए, तो इसलिए लिखा है वो इन राइटिंग। दूसरा उसमें चीज लिखी रहेगी अ प्रॉमिस, ऑब्वियस है हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं, और अंडरटेकिंग, एक अंडरटेकिंग ले रहे हैं पे करने का। नेक्स्ट, अ प्रॉमिस और अंडरटेकिंग टू पे। दूसरा है डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल प्रॉमिस, है ना। डेफिनेट क्या होगा, एक सर्टेन, और अनकंडीशनल मीन्स कोई कंडीशंस नहीं है, विदाउट कंडीशंस। दूसरी चीज इसमें देखो, जैसे कंडीशनल, देखो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम बोल रहे हैं आई प्रॉमिस टू पे ₹500, तो वो 500 है, अनकंडीशनल नहीं, मतलब सॉरी क्या है, वो अनकंडीशनल है। एक्स्ट्रा उसमें देखो क्या होगा, साइंड बाय द मेकर, जो बना के दे रहा है वो साइन करेगा उसमें, साइंड बाय द मेकर। फिफ्थ पॉइंट देखो, द पार्टीज टू द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी सर्टेन, द पार्टीज टू द प्रोमिसरी नोट मस्ट बी सर्टेन। उसमें हम एक अमाउंट के साथ एक पार्टी का नाम लिख के देंगे, क्योंकि कोई ऐसे होते हैं जो अनकंडीशनल होते हैं, नेगोशिएबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं, तो उसमें नाम नहीं लिखा जाता है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉमिसरी नोट्स ऐसे होते हैं जिसमें उसका नाम हम लिखते हैं, जैसे आई प्रॉमिस टू पे श्याम ₹500। आ रहे समझ में, अगर कल मैंने बोला था, एक प्रॉमिसरी नोट दिखाया था बैंक नोट, तो उसमें क्या लिखा था, आई प्रॉमिस टू पे ₹500 टू द बियरर, बियरर मतलब जिसने उसको रखा है, तो सेम वही अगर मैं किसी का नाम मेंशन करूंगी तो वो उसके लिए रहेगा, द पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी सर्टेन। प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली, प्रॉमिस टू पे मनी एंड मनी ओनली। सेवेंथ, इंटेंशन होना चाहिए क्या, एंड डिलीवरी, इंटेंशन होना चाहिए पे करने का, साइन करने का, और प्लस उसको इंटेंशन क्या है इसमें, पे बना तो रहे हैं तो पे भी करना है, ऐसा इंटेंशन। दूसरा, अदर फॉर्मेलिटीज हो सकती हैं इसमें। अब एक स्पेसिमेन देखो, एक स्पेसिमेन बना के बता रही हूँ कैसे बनेगा। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट पे देखो, सेम ऐसे ही बनाना, बॉक्स में, बॉक्स में बनता है हमेशा। एग्जाम में पूछे या नहीं पूछे, अगर प्रॉमिसरी नोट आपसे पूछता है तो आपको उसका एक स्पेसिमेन बना के आना है। ठीक, आ रहा है समझ में। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉमिसरी नोट, तो अगर मैं इसमें लिखना स्टार्ट करूं, सपोज देखो अमाउंट का जो कॉलम रहेगा उस पर एक चीज का ध्यान रखना,
जैसे टॉप में लेफ्ट साइड में अमाउंट लिखेंगे, तो मैंने सपोज लिखा रुपीस का साइन बनाना जो न्यू वाला आया है आजकल, ₹3,000, ठीक है, फिर ब्लैंक स्पेस दिया, और राइट कॉर्नर में एड्रेस, सपोज दिल्ली का है तो कॉमा, नीचे फिर डेट, कौन सा डेट है आज, नवंबर है तो लिखो नवंबर 10, 2020, फिर एंटर किया, फिर लिखना 3 months आफ्टर डेट, इस डेट के बाद, ठीक है, 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मधुकर, ये नाम है किसी का, और ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 3,000, फिर ब्रैकेट में लिखना ₹3,000 ओनली, ओनली मेंशन करते ही है इसलिए क्योंकि वहां पे अगर किसी ने 3,000 का 30,000 कर दिया तो विथ इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट 13% पर एनम देयर ऑन कॉमा फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, फॉर वैल्यू, फॉर वैल्यू रिसीव्ड, नीचे उसका एड्रेस लिखना टू, एंटर द मधुकर, इधर आए अपन राइट साइड में, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, स्टैम्प जिसका भी वो हुआ उसका सील नीचे एंटर करना, और उस पे नाम लिखना जो भी, सपोज अगर बना रहा है कोई सुनील जिंदल बना रहा है तो, क्लियर है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स एक्सचेंज हो गए, जिसमें सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस अ बिल ऑफ एक्सचेंज, अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली, अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू कॉमा और टू द ऑर्डर ऑफ, और
टू द, डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करके लिखना, और टू द ऑर्डर ऑफ, फिर लिखना अ सर्टेन पर्सन। कंफ्यूज मत होना, दो से तीन बार ये वर्ड्स हो यूज होंगे एक ही डेफिनेशन में, अ सर्टेन पर्सन और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेम वही डेफिनेशन है, बस बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया है किसकी जगह, प्रॉमिसरी नोट की जगह पे। देखो अब नेक्स्ट देखो, इसमें अगर अपन इसके फीचर्स देखें, फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फर्स्ट पॉइंट कितनी पार्टीज होंगी इसमें, सॉरी फीचर्स बाद में देखते हैं अपन, पहले पार्टीज देखते हैं, कितने लोग हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें याद रखना, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट है ड्रॉवर, मेकर बोलते हैं इसको, जो बिल बना रहा है, मेकर। नेक्स्ट ड्रॉई, ड्रॉई कौन रहेगा, जिसको ड्रॉवर डायरेक्ट कर रहा है, मतलब जिसको पे करना है, द पर्सन हु इज डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे, डायरेक्टेड बाय द ड्रॉवर टू पे। नेक्स्ट पे, पे क्या हो जाएगा, जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जिसको अमाउंट मिलेगा, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट, द पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू हुम द मनी इज डायरेक्टेड, टू हुम द मनी इज डायरेक्टेड to pay. कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जब ड्रॉवर और पे दोनों सेम हो सकते हैं। मैम आपकी वॉइस कट रही है, इसका एक स्पेसिमेन देखते हैं। Specimen of bills of exchange. इसमें भी सेम बॉक्स बनाना, सेम यहां पे क्या आएगा, एक अमाउंट आएगा, रुपीज 5000 कर दो, है ना, स्पेस सिटी का नाम राइट साइड में, फिर नागपुर लिख दिया कॉमा, फिर क्या डाल दिया, यहाँ पे डेट डाल दो आज की, 10th November, फिर सेम 3 months आफ्टर डेट, कॉमा
टू शरद कुमार, किसी का भी नाम डाल सकते हो, और ऑर्डर कॉमा द सम ऑफ रुपीस फाइव थाउजेंड, ब्रैकेट में लेना रुपीज फाइव थाउजेंड ओनली, फॉर वैल्यू रिसीव्ड। फिर एंटर किया, यहाँ लिखना टू कॉमा द राकेश कुमार, फिर उसका एड्रेस दे देना जो भी हो नीचे, भोपाल। सेम यहाँ पे आए, कौन एक्सेप्ट करेगा? अब देखो यहाँ पे याद रखना, एक्सेप्टेड लिखा रहेगा इसमें एक्स्ट्रा, जो एक्सेप्ट करेगा बिल, है ना। एंटर, और यहाँ पे एक स्टैम्प, ये देखो ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इस बिल में देखो, जो गणेश लाल है वो हो गया ड्रॉवर, जो राकेश कुमार है वो हो गया ड्रॉई, और जो एक्सेप्टर है, और शरद कुमार कौन है इसमें? शरद कुमार दिखा कहीं पे? वो हो जाएगा पेई।